दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी मछली के बारे में जानते हैं जो अपने शरीर से बिजली पैदा करती है? ऐसी मछली जो बिजली का झटका देकर शिकार करती है? अगर नहीं तो आज हम आपको ऐसे ही मछली के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप भी वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, समुद्र की दुनिया काफी रहस्यमयी है। इसके अंदर कई ऐसे जीव रहते हैं जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के जीव मिलेंगे, जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल, जेलीफिश और ऑक्टोपस, हॉर्स फिश इत्यादि शामिल है। लेकिन समुद्र के अंदर एक ऐसी मछली भी रहती है जो बिजली पैदा करती है। शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो कि मछलियां करंट का झटका कैसे दे सकती है, पर यह सच है। इलेक्ट्रिक कैटफिश और इलेक्ट्रिक ईल नामक मछली अपने शिकार को पकड़ने के लिए बिजली के हाई वोल्टेज झटके का इस्तेमाल करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इलेक्ट्रिक ईल करंट के द्वारा मगरमच्छ तक को मार सकती है। इलेक्ट्रिक ईल की लंबाई 2 मीटर तक और वजन 20 किलो का होता है। इसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स नाम का 6000 से ज्यादा तरह की कोशिकाएं होती है जो बिजली को प्रोड्यूस और स्टोर करती है। इलेक्ट्रिक ईल अपने बचाव या शिकार को पकड़ने के लिए 700 से 600 वोल्ट तक की बिजली के झटके देती है। इलेक्ट्रिक ईल के बिजली का झटका इतना खतरनाक होता है कि इससे इंसान का हार्ट फेल हो जाता है और उसकी मौत भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक ईल की गिनती वास्तव में नाइफ फिश परिवार के सदस्यों में होती है। यह मछली मुख्य रूप से रात में शिकार करती है। खतरनाक इलेक्ट्रिक ईल अमेजन और ओरिनोको नदी में रहती है। इलेक्ट्रिक ईल की तरह ही इलेक्ट्रिक रे दुनिया में पाए जाने वाले इलेक्ट्रिक जीवों में से एक है जो दुनिया भर के टेम्परेट सी में रहती है। दुनिया में इसकी कई प्रजातियां पाई जाती है। ये अपनी मांसपेशियों के जरिए बिजली को प्रोड्यूस और स्टोर कर सकती है। इलेक्ट्रिक रे शिकारियों से बचने या शिकार को पकड़ने के लिए बिजली के झटके का इस्तेमाल करती है। ये एक ही बार में 8 से 220 वोल्ट तक की बिजली के झटके को प्रोड्यूस कर सकती है। हालांकि इसके ये बिजली के झटके इस पर निर्भर करते हैं कि ये शिकार के लिए है या बचाव। इलेक्ट्रिक रे समुद्र में मिट्टी या रेत के नीचे रहती है। इसका गहरा भूरा रंग समुद्र में शिकारियों से छिपने में इसकी मदद करता है। अब दोस्तों, अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्या आप पहले से इलेक्ट्रिक फिश के बारे में जानते थे। और अगर यदि आप भी इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट विथ नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।